राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है। दरअसल सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बन रहे सीसी रोड स्लैब के काम को ठेकेदार ने रोक दिया है। ठेकेदार का कहना है कि आरएसआरडीसी के अधिकारी 8 इंच की जगह 5 इंच का मोटा स्लैब बनाने का दावा बना रहे हैं, जिसकी वजह से काम बंद कर दिया गया है। जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बस स्टैंड पर बसों के संचालन से दिन भर चारों तरफ धूल मिट्टी का गुबार उड़ता नजर आता है, जिसे यात्रियों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। यात्री कई बार सिंधी कैंप बस स्टैंड पर तैनात अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ड्यूटी ऑफिसर का कहना है कि सिंधी कैंप बस स्टैंड को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट से चारों ओर तैयार किया जा रहा था, लेकिन ठेकेदार और आरएसआरडीसी के अधिकारियों में तकनीकी खामियों के चलते काम को रोक लिया गया है। कारण क्या रहता है कि कच्चा रोड हो गया, इसको काम को चलना था, काम तकनीकी खामियों के कारण से ये रुक गया, जिसकी सूचना हमने अधिकारियों को दे दी। उसकी वजह से काफी धूल मिट्टी उड़ती है, पैसेंजर शिकायत करते हैं, हमने हमारे उच्च अधिकारियों को दे दी, हमारे उच्च अधिकारियों ने आगे किए। इस बारे में एक बार एमडी साहब भी जोनल साहब दौरे पे आए, उन्होंने देखा है, उन्होंने जल्दी से काम जल्दी जल्दी करवाने के लिए निर्देश दिए, हो सकता है काम जल्दी से शुरू हो जाए। दरअसल ठेकेदार बस स्टैंड का सीसी रोड स्लैब 8 इंच की सीमेंट कंक्रीट से बना रहे थे, लेकिन आरएसआरडीसी अधिकारी ठेकेदार 5 इंच का सीसी रोड स्लैब बनाने का दबाव डालने लगे, जिसके बाद ठेकेदार ने सीसी रोड स्लैब बनाने का काम बंद कर दिया। ठेकेदार का कहना है कि 5 इंच का सीसी स्लैब जल्दी ही टूट जाएगी, जबकि ठेकेदार को 3 साल तक सीसी स्लैब न टूटने की जिम्मेदारी लेनी होती है। ऐसे में 3 इंच का सीसी रोड स्लैब कम करने के पीछे आरएसआरडीसी के अधिकारियों पर कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है। परेशानी तो हो रही है, कोई भी नया काम में कोई अड़चन आ जाती है तो उसमें परेशानी तो होती है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन परेशानी का जल्दी समाधान कर। आरएसआरडीसी और ठेकेदार के बीच की खींचतान में आम नागरिक और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।